नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi A3 वर्सेस Samsung Galaxy A05 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi A3 में 6.63 इंच जबकि Samsung Galaxy A05 में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi A3 में 3 इंच जबकि Samsung Galaxy A05 में 3.08 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi A3 में 0.33 इंच जबकि Samsung Galaxy A05 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi A3 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi A3 में 193 ग्राम जबकि Samsung Galaxy A05 में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi A3 में IPS LCD जबकि Samsung Galaxy A05 में PLS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi A3 में 720x1650px HD+ और Samsung Galaxy A05 में 720x1600px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi A3 में 83.14% जबकि Samsung Galaxy A05 में 82.1% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi A3 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Samsung Galaxy A05 में 262 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi A3 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Samsung Galaxy A05 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi A3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Samsung Galaxy A05 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi A3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Samsung Galaxy A05 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi A3 में PowerVR GE8320 जबकि Samsung Galaxy A05 में Mali G52 MegaCoulomb 2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi A3 में MediaTek Helio G36 और Samsung Galaxy A05 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi A3 में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 3GB, 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Samsung Galaxy A05 में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi A3 में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Samsung Galaxy A05 में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi A3 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 7,299 रुपीज, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 7,999 रुपीज, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीज में मिलता है। और बात करें Samsung Galaxy A05 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Xiaomi Redmi A3 में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करते Samsung Galaxy A05 की तो उसमें 6 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi A3 आगे है, मेन कैमरा में Samsung Galaxy A05 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Samsung Galaxy A05 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Nothing Phone 2A 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M14 4G है, तीसरा Oppo K12X 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Nazo N65 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।